दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे सिद्धार्थ गौतम का राजा बिंबिसार को उत्तर। मैं संसार के कलह से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ। मैं इस दुख का अंत करने के बदले मैं इस पृथ्वी का राज्य तो क्या दिव्य लोक का राज्य भी नहीं चाहूँगा। और राजन, यह जो तुमने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के तीन के पुरुषार्थ है, और तुम्हारा यह भी कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य है और असंतोषकारक है। और जहाँ आपका यह कहना है कि वार्धक्य आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं, तो आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं, क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है और वार्धक्य में भी नहीं हो सकती। और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने वश में ले सकता है, तो कोई भी शांति का खोजी बुद्धिमान किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है जब वह यह जानता ही नहीं कि मृत्यु कब आधर दबाएगी। जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए रोगी के तीर चारों ओर बिखरे मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है, और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरन जंगल की ओर, तो कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है। चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे लड़का हो, हर किसी के लिए यह योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहाँ तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल है और महान फलदायी है, तो ऐसे यज्ञ को नमस्कार है जिनमें निरही प्राणियों का वध होता है। किसी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिकशील संपन्न मनुष्य को योग्य नहीं, चाहे फिर वह यज्ञ का फल अनंतकालीन ही क्यों ना हो। और यदि स्वीकार किया जाए कि आत्मसंयम, सदाचार और काम जीत होना ही सद्धर्म का अनुकरण करना है, तो भी याज्ञिक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार ऊंचे से ऊंचा फल पशुओं की हत्या से ही मिल सकता है। दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है, वह जब कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम्य नहीं, तो फिर किसी अदृश्य दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो क्या ही कहना। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने में प्रेरित नहीं हो सकता। हे राजन, मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दीक्षा उसी तरह अनिधित, अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपके जीवन उद्देश्य पूरा हो जाए, तब फिर इधर पधारने की कृपा करना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा अपने महल हो चले। पांचवा, शांति का समाचार। जब गौतम राजगृह में कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, उसी समय पांच दूसरे परिवारजक भी आए, और उन्होंने भी उनके पास ही एक कुटी बना ली। इन पांच परिवारजकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजीत, वश्यप, महानाम तथा भद्रिक।
वे भी गौतम के व्यक्तिगत से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इसकी प्रवर्जा का क्या कारण रहा होगा। राजा बिंबिसार की भांति ही उन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया। जब उसने उन्हें वह सारी परिस्थितियां समझाई जो कि उसके प्रवर्जित होने के कारण बनी थी, उन्होंने कहा, हाँ हमने यह सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले जाने और चले आने के बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ का उत्तर था नहीं। तब उन्होंने उसे बताया कि उसके चले जाने के बाद कौलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बड़ा आंदोलन छिड़ा। आदमियों, औरतों, लड़कों, लड़कियों ने प्रदर्शन किया और जुलूस निकाले। वे नारे लगा रहे थे कि कौल्य और शाक्य भाई भाई है, भाई को भाई भाई का भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है, गौतम के जलावतन हो जाने का को याद करो इत्यादि। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुमत कौल्यों से समझौता कर लेने के पक्ष में था। शाक्य संघ ने 5 जनों को अपना दूत चुना और उन्हें यह काम सौंपा गया कि वे कौल्यों के साथ संधि वार्ता चलाए। जब कौल्यों को इसका पता लगा वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जन चुने जो शाक्यों के दूतों के साथ संधि वार्ता चलाए। दोनों और दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक स्थायी पंचायत की नियुक्ति की जाए और रोहिणी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई झगड़ा हो तो इस पंचायत के सामने ही रखा जाए और पंचायत का निर्णय मान्य किया जाए। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था उससे गौतम को सूचित करने के अनंतर परिवारजकों ने कहा, अब तुम्हारे लिए परिवारजक बने रहना और बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हो। सिद्धार्थ का उत्तर था, इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है, यह मेरी विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना चाहिए। गौतम ने उन 5 परिवारजकों से पूछा, तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? उनका उत्तर था, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है, तुम भी क्या हमारे साथ शामिल नहीं होते? सिद्धार्थ ने कहा, शयन, पहले मुझे दूसरे पथों की परीक्षा करनी है। तभी 5 परिवारजक चले गए। 6, समस्या की नई पृष्ठभूमि। 5 परिवारजकों द्वारा लाए गए इस समाचार ने कि शाक्यों और कौलियों में युद्ध का होना रुक गया था, गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया। अकेला होने पर वह बड़ी गंभीरता से सोचने लगा कि क्या अब भी परिवारजक बने रहने का उसके लिए कोई उचित कारण रह गया है। उसने अपने से प्रश्न किया, वह अपने बंधु बांधवों को क्यों छोड़कर आया था? उसने इसीलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई है? गहराई से सोचने पर उसे उत्तर मिला, नहीं। युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह विरोध न केवल जातियों और राज्यों में ही विद्यमान है, यह संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और माता में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में, तथा साथी और साथी में। जातियों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वह स्थायी है और लगातार जारी है। संसार के कष्टों और दुख के मूल में यह वर्ग संघर्ष ही है। यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था, लेकिन शाक्यों और कौलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता।
मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। पुराने परंपरागत दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं, और यदि है तो कहाँ तक? क्या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं? उसने हर परंपरा का, हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। भाग दूसरा समाप्त। नए वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम तीसरा भाग, मतलब ही नए प्रकाश की खोज में यह शुरू करेंगे। तब तक आप रुक जाए। धन्यवाद।